हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम दीपावली के 5 दिवसीय त्योहारों की चर्चा करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, साथ ही अमावस्या पर पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की चर्चा करेंगे। ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, ग्रहण वाले दिन कार्तिक स्नान कैसे करें, उस दिन गोपाल जी की सेवा कैसे करें, अमावस्या पर पितरों के निमित्त पिंड दान और तर्पण किस समय करें, ये सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर देना। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखो, इस साल कार्तिक के महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, बड़ी बात है। कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा और कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली के दिन चंद्र ग्रहण रहेगा, और ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिख रहे हैं। कार्तिक के महीने को त्योहारों का महीना कहते हैं। साल के बड़े बड़े पर्व इसी महीने में आते हैं। इन पर्वों में मुख्य होता है दीपावली। दीपावली को 5 दिवसीय पर्व कहते हैं। इसमें धन त्रयोदशी या धनतेरस, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, लक्ष्मी पूजा या बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 पर्व शामिल होते हैं। इस साल 2022 में कार्तिक अमावस्या के दिन यानी जिस दिन बड़ी दिवाली होती है उस दिन सूर्य ग्रहण है। इसी से लक्ष्मी पूजन या दीपावली एक दिन पहले 14 में मनाई जाएगी। देखो, इस साल मंगलवार 25 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण अमावस्या को स्वाति नक्षत्र तुला राशि पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को शाम 4:28 पे शुरू होगा और शाम को 6:41 पे खत्म हो जाएगा। ये पूरे भारत का समय है। देश के अलग अलग जगहों पर जो इसका स्टार्टिंग समय और एंडिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे जो ग्रहण है उसका समापन हम सूर्यास्त के साथ ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जिस भी जगह पे सूर्यास्त हो गया तो चाहे और जगह पे ग्रहण चल रहा होगा वो यहां मान्य नहीं होगा और हम अपना मोक्ष का समय मान लेंगे। देखो, सूर्य ग्रहण में सूतक 4 पहर यानी 12 घंटे का होता है और चंद्र ग्रहण में सूतक 3 पहर यानी 9 घंटे पहले लगता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 25 अक्टूबर की सुबह, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह जब हम उठ के स्नान वगैरह करते हैं, 4:28 से शुरू हो जाएगा। देखो, बहुत सारे लोग इन्हें पूछते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है, तो साइंस क्या कहती है। देखो, जो धरती होती है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, जैसे सूर्य स्टिल है एक जगह पे है और धरती उसके चारों तरफ चक्कर काटती है, और जो चांद है वो धरती के चक्कर काटता है। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये सूर्य स्टिल है और जो ये धरती है सूर्य के चक्कर काट रही है, और जो चंद्रमा धरती के चक्कर काट रहा है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो ये सूर्य और धरती के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इससे सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए चंद्रमा ढक लेता है और वो रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पाती और ग्रहण लग जाता है। अच्छा, दिवाली वाले दिन ग्रहण पड़ना ये अपने आप में एक बड़ी सी बात है ना। तो अगर आप देखोगे 27 साल पहले बिल्कुल सेम ऐसी ही स्थिति बनी थी। इससे पहले सन 1995 में दिवाली वाले दिन सूर्य ग्रहण लगा था। भारत के अलावा जो ये ग्रहण है ये यूरोप में, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, मिड ईस्ट, वेस्ट एशिया में दिखाई देगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, पर ये गलत है। वो लोग मना कर रहे हैं कि भाई सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, पर ये पूरी तरह से निराधार है। ग्रहण का पूरा प्रभाव भारत पे रहेगा, ये एक आंशिक ग्रहण है, पूरा नहीं दिखेगा, आंशिक रूप से दिखेगा बट दिखेगा। भारत में लेह लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है उनमें ग्रहण दिखेगा। इनमें श्रीनगर, जम्मू, जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार और शिमला में बिल्कुल साफ दिखाई देगा।
तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और बिहार में कुछ ही देर के लिए दिखेगा और कई जगहों पर ठीक से भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में ये ग्रहण बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इस ग्रहण के दौरान भारत में सूर्य का 55% हिस्सा चंद्रमा से ढका होगा, ठीक है, तभी इसे आंशिक ग्रहण कह रहे हैं, है ना, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। देखो सूर्य ग्रहण पर सूतक लगने के बाद से हमें कुछ खाना पीना सोना नहीं चाहिए, घर के मंदिर का पट बंद कर देना चाहिए, जो पका हुआ भोजन रखा होता है उसे ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए। कई लोग होते हैं ना फ्रिज में आटा है सब्जी बना के रख देते हैं, वो ग्रहण के बाद नहीं खानी चाहिए, माना जाता है वो अशुद्ध हो जाती है। जो इस ग्रहण का असर है वो मेन रूप से जो प्रेग्नेंट लेडीज है उन पर रहता है, उन्हें स्पेशली ध्यान रखना होता है। सूतक में आप क्या नियम लो ये आपके ऊपर है, बट जो ग्रहण का समय होता है, जब ग्रहण शुरू होगा और जब ग्रहण खत्म होगा, इस दौरान प्रेग्नेंट लेडीज को स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उन्हें सोना नहीं चाहिए, किसी भी चीज को काटना नहीं चाहिए, कुछ सिलना नहीं चाहिए। कई लोग कपड़े सीना शुरू कर देते हैं, चाहे आप कान्हा जी की पोशाक बनाओ, नहीं बनानी है। तेल मालिश करना, मैं इधर खुजली हो रही है तेल लगा लूं या मैं इधर तेल लगा लूं, कुछ नहीं। पानी नहीं पीना और यूरिन या पॉटी तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। बालों में कंघी करना, है ना, कई लोग चलो कंघी कर लो, वो नहीं करना। ब्रश करना या यौन संबंध वगैरह बिल्कुल बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये स्ट्रिक्टली नो है ग्रहण के समय पे। देखो सूर्य ग्रहण पर सूतक से लेकर जब ग्रहण खत्म होगा तब हमें भजन कीर्तन ये करना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, बहुत बहुत अच्छा होता है। खाने पीने की चीजों में हमें तुलसी पत्र या कुशा डाल देनी चाहिए। जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो घर में बने मंदिर में उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। जितने हमारे शिव विग्रह होते हैं, देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं, उन्हें स्नान गंगा जल छिड़क के स्नान कराना चाहिए, है ना, बढ़िया साफ सफाई करनी चाहिए। देखो धनतेरस पूजा को धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। देखो धनतेरस का दिन धनवंतरी जयंती, धनवंतरी देव हैं जो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं, उनके रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस इस साल हम कब बनाएंगे? इस साल हम पूजा शनिवार 22 अक्टूबर को करेंगे और धनतेरस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 19:01 से 20:17 तक है, यानी 22 अक्टूबर को शाम को 7:01 PM से 8:17 PM तक। ये जो समय रहेगा ये 1 घंटे 16 मिनट का है, इस बीच में पूजा जरूर कर लेना। अच्छा, धनतेरस पर यमराज के निमित्त दीपदान का विधान है। इस दिन परिवार के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु और ना हो या मृत्यु के देवता यमराज से बचने के लिए घर के बाहर दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक के नाम से कहते हैं, है ना। इससे त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। तो जो यम दीप दान है वो इस साल हम 22 अक्टूबर दिन शनिवार को करेंगे। यम दीप दान का जो शुभ समय है वो है 6:02 PM से 7:01 PM के बीच का, और ये अवधि जो है ये हमारी 59 मिनट्स की है, ठीक है ना, तो बहुत थोड़ा समय है, आप जरूर करना। अब देखो जो समय मैंने बताया है, इस समय में दक्षिण दिशा में यमराज के निमित्त दीप जरूर प्रज्वलित करना। अब देखो ये जो मैंने अभी समय बताया आपको, ये दिल्ली का है। अब यहां पर और भी बहुत शहरों के धन त्रयोदशी मुहूर्त का समय बता रही हूं, तो हर किसी का मैं बोलकर नहीं बता रही हूं, आप यहां देखोगे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने शहर का टाइम नोट कर लीजिए। ये सारे शहर की लिस्ट आ रही है यहां पे। धनतेरस 2022 पर शुभ योग भी बन रहा है। इस साल 23 तारीख को शनि देव मार्गी हो रहे हैं, ऐसे में कई राशियों को बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा धनतेरस के दिन सर्वस्व सिद्ध और अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। देखो ग्रहण होने की वजह से रूप चतुर्दशी और जो दीपावली का पर्व है वो एक साथ सोमवार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी सोमवार 24 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। आप हमारे कार्तिक में ना एक विधान है कि पूरे कार्तिक के महीने में हमें शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है,
पर नरक चतुर्दशी इसे रूप चौदस भी कहते हैं, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौदस में हमें जरूर से सुबह के टाइम पे तेल लगाकर ही नहाना चाहिए। इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं, ठीक है। और जो इस साल अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त है वो है 24 अक्टूबर को सुबह 5:06 AM से 6:27 AM के बीच का, और जो इस स्नान की अवधि है ये 1 घंटे 22 मिनट की है। इस समय में तेल लगा के स्नान करना बहुत शुभ है। अच्छा, मैं आपको ना चौदस की तिथि बता देती हूँ कि कब शुरू और कब खत्म हो रही है। तो चतुर्दशी तिथि हमारी स्टार्ट हो रही है 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को 6:03 PM पर, और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को शाम को 5:27 PM पर। इस साल सर्वत सिद्ध योग में धनतेरस और नरक चतुर्दशी बनाई जाएगी। जो लोग छोटी दीपावली या काली चौदस में रात को दीपदान करते हैं वो 23 अक्टूबर को करेंगे। याद रखना, जो अभ्यंग स्नान है वो हम 24 को कर रहे हैं, बट जो हमारा दीपदान है 23 का, क्योंकि अभी जो मैंने टाइम बताया उसमें देखो 14 हमारी 23 तारीख को शुरू हो जाएगी और 24 की शाम को खत्म हो जाएगी। अब 24 की शाम को तो हमें दीपावली बनानी है, लक्ष्मी पूजन करना है, तो जो छोटी दीपावली का दीपदान होता है वो हम 23 अक्टूबर को करेंगे। 23 अक्टूबर को शाम को भगवान के मंदिर में 14 दीपकों से दीपदान जरूर करना चाहिए। देखो इस साल दीपावली पर सूर्य ग्रहण का साया रहेगा अमावस्या वाले दिन। इससे चतुर्दशी युत अमावस्या 24 अक्टूबर को हम दीपावली बनाएंगे। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा जिसका सूतक सुबह ही लग जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम उस दिन नहीं मनाएंगे, 24 को। सब जगह पे दीपावली 24 को ही मनाई जाएगी। अच्छा, दीपावली वाले दिन सूर्य ग्रहण का ये जो संयोग हुआ है ये एक बहुत दुर्लभ संयोग है जो बहुत सालों के बाद बनता है। अच्छा, दीपावली पूजा पर ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। कार्तिक अमावस्या, इसलिए ना मैं आपको पहले अमावस्या तिथि बता देती हूँ कि कब आ रही है। कार्तिक अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर की शाम 5:08 से शुरू होगी और ये 25 अक्टूबर की शाम 4:34 पे खत्म होगी, ठीक है ना। तो अमावस्या तिथि, क्योंकि लक्ष्मी पूजन रात के समय होता है, अब जो अमावस्या तिथि है वो 24 तारीख को प्रदोष काल में है, और अमावस्या तिथि अमावस्या वाले दिन यानी 25 तारीख को उदय तिथि में अमावस्या तिथि तो है पर शाम के समय नहीं है, है ना। इसलिए दीपावली का पूजन प्रदोष काल में ही करना होता है, इसलिए दीपावली 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इसी के साथ ही ग्रह नक्षत्र और शुभ योगों के होने से दीपावली की शुभता बहुत ज्यादा बढ़ रही है 24 अक्टूबर को बनाने से। 24 अक्टूबर को हस्त नक्षत्र के साथ चित्रा नक्षत्र होगा। इसके अलावा इस दिन बुध उच्च स्थिति में है, शुक्र शनि और बृहस्पति स्वराशि में विराजमान है, ये बहुत अच्छा समय है। दीपावली का पूजन 24 अक्टूबर को दिन भर अलग अलग मुहूर्तों में किया जा सकेगा। अच्छा, लक्ष्मी पूजा को जो सबसे अच्छा समय है वो मैं आपको बता देती हूँ, सोमवार 24 अक्टूबर 2022 पर लक्ष्मी पूजा का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो है 6:53 PM से 8:16 PM के बीच का समय, ये 1 घंटे 23 मिनट के बीच का समय है। इस समय पे अगर हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो पूरा साल माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती है। अब देखो ये जो समय मैंने बताया लक्ष्मी पूजा का, ये तो दिल्ली का समय है। अब बाकी शहरों में लक्ष्मी पूजा का क्या समय रहेगा उसका टाइमिंग मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, यहाँ पे लिस्ट आ जाइए, आप अपना शहर देख लीजिए, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने शहर का टाइम नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और बात, आपने ना कार्तिक महत्तम में सुना होगा दीपावली की रात को हमें घर का जो कूड़ा होता है उसे सूप में बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि दरिद्रता जाओ लक्ष्मी आओ, है ना, ये टोटका होता है। ये एक बहुत पौराणिक तरीका है और आपने इसे कार्तिक महत्तम में सुना है, इससे घर से दरिद्रता दूर चली जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये काम हम 25 अक्टूबर की सुबह 4 बजे से पहले कर देंगे क्योंकि उसके बाद सूतक लग जाएगा और फिर हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। इस काम को अर्धरात्रि में करना, मतलब 2-3 बजे के करीब करना ज्यादा उचित होता है।
देखो 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि होने से गोवर्धन पूजा का जो त्योहार है वो हम 26 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाएंगे। ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच में एक दिन का समय आ रहा है। हर बार क्या होता है कि दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत शुभ संयोग है। जो गोवर्धन पूजा का शुभ समय होगा वो होगा 26 अक्टूबर को सुबह 6:29 AM से 8:43 AM के बीच का। ये 2 घंटे 14 मिनट की अवधि है। इस बीच में आप अपनी गोवर्धन पूजा कर लीजिएगा। अच्छा, इस दिन गौ पूजा के साथ दैत्यराज बलि की पूजा करने का भी विधान है। साथ ही विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। मशीनों की, औजारों की, अस्त्र शस्त्रों की पूजा करने का विधान है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, विश्वकर्मा जयंती कहीं कहीं सितंबर में भी मनाई जाती है, ठीक है। कई जगहों पर गोवर्धन पूजा वाले दिन मनाई जाती है। एक और चीज, सुबह गाय के गोबर से गोवर्धन जी बनाकर शाम को उनकी पूजा करने का विधान है। गोवर्धन जी कैसे बनाते हैं और पूजा कैसे करते हैं उसकी पूरी जानकारी ऑलरेडी हमारे चैनल पर है और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, प्लीज आप देख लेना। देखो 27 अक्टूबर दिन वीरवार को भाई दूज और चित्रगुप्त भगवान का पूजन होगा। दूज का पूजन 27 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद पूरे दिन किया जा सकेगा, लेकिन दोपहर में 2:12 तक करना ज्यादा अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। इस दिन सर्वत सिद्ध योग भी मिलेगा। साथ ही इस दिन प्रीति और आयुष्मान नाम के 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। देखो ग्रहण से पहले सूतक लग जाते हैं जिससे हम मंदिर के पट बंद कर देते हैं। सूतक और ग्रहण के समय देव दर्शन यानी भगवान को देखा या छुआ या उनकी कोई सेवा नहीं की जाती, इसलिए सूतक लगने के बाद कोई भी सेवा पूजा नहीं होगी। तो सूतक सुबह ही लग जाएगा, है ना, 4 बजे का सुबह का समय है वो, उसी समय आप अपने मंदिर के पट बंद कर दोगे। कई लोग तो ऐसे होंगे जो सोके नहीं उठेंगे तो वो मंदिर के पट खोलेंगे ही नहीं, और शाम को जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद मंदिर के पट खोल के साफ सफाई करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते वो फटाक से मंदिर के पट खोले और फटाक से दूध का भोग लगा दो, नहीं, आपको पहले मंदिर की पूरी सफाई करनी है, ठाकुर जी को स्नान कराना है और उसके बाद ही आप और अपनी सेवा करोगे। अब कई लोग कहते हैं कि भाई शाम को तो बड़ी ठंड होती है, हमारे कान्हा तो बड़े छोटे हैं, उस समय वो कैसे नहाएंगे। नहाना पड़ेगा, इसमें कोई तर्क वितर्क वाली बात नहीं है। हम लोग भी नहाएंगे, ठाकुर जी भी नहाएंगे और ये उन्हीं की इच्छा है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, कई लोगों का ये भी भाव होता है कि लाला बड़े छोटे हैं, पूरा दिन बिना खाना खाए कैसे रहेंगे, इसलिए हम एक काम करते हैं कि सूतक शुरू होने से पहले है ना कान्हा के पास खाने का सामान रख देंगे, है ना। बट मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सूतक और ग्रहण के समय भगवान कुछ नहीं खाते, उस समय प्रकृति दूषित होती है, इसलिए कुछ खाने का सामान भी मंदिर के अंदर ना रखें। अब हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रहण के दिन हम अपना कार्तिक स्नान कैसे करेंगे, क्योंकि सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में सूतक लग रहा है। तो देखो ग्रहण बड़ा दिन होता है, इस साल कार्तिक अमावस्या पे सूर्य ग्रहण है जिसका सूतक सुबह जल्दी 4:30 लग जाएगा। सूतक के समय देव दर्शन नहीं होते इसलिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में जो भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो सुबह जल्दी उठे और अगर पॉसिबल हो तो 4:30 से पहले ही पूजा कर ले। अगर ये पॉसिबल ना हो और आपके उठने तक सूतक शुरू हो जाए, ठीक है, या किसी भी कारण से आप सूतक से पहले पूजा नहीं कर पाए, तो आपको बस ये करना है कि मंदिर के पट बंद कर देने हैं, सूतक काल में कोई पूजा नहीं करनी। आप नहा धोके उसके बाद अपना माला जाप करो, भजन कीर्तन करो, कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियां सुन लो, गीता भागवत या रामायण का पाठ करो, ठीक है। आपको कोई मंदिर खोल के जोत नहीं जलानी, दीपदान नहीं करना है, ठीक है, याद रखना दीपदान भी नहीं होगा। देखो 25 अक्टूबर को सूर्योदय में अमावस्या तिथि है, पर इस दिन ग्रहण होने से और सूतक सुबह ही सुबह 4:30 लग जाएगा,
अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त जो हम भी हम दान करते हैं, तर्पण करते हैं, वो हम 24 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि 24 अक्टूबर को तो हम दीपावली बना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए उसको अमावस्या को पूरा दिन मान्य करते हुए हम 24 की सुबह ही अपने पितरों का तर्पण करेंगे, दीप दान और पिंड दान जो हम करते हैं वो करेंगे। कई लोग सूखा सामान का सीधा निकालते हैं, कई लोग खाना बना के ब्राह्मण जिमाते हैं, वो सब हम 24 को करेंगे। अब हम हनुमान जन्मोत्सव की चर्चा कर रहे हैं। देखो, हनुमान जन्मोत्सव साल में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक अमावस्या को और दूसरा चैत्र पूर्णिमा पर। अब ये 2 बार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कहानी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। अब ये हम इस साल 2022 में 24 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाएंगे। इस दिन हनुमान जी की जोत की जाती है, उन्हें चूरमे का भोग लगाने का विधान है। चैत्र पूर्णिमा वाले दिन हम क्यों हनुमान जी का जन्मदिन बनाते हैं, अगर आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगी, ठीक है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।